पसंद तो हम सब कोई करें क्योंकि हमारे साथ किसी ने भी जो है ना इंसाफित करी ना है, लेकिन वक्त आने पर देखेंगे इसका, हो सकता है बीजेपी को दे दें कांग्रेस के विचार। अभी तक जो अपोजिशन में था MLA हम उसको ज्यादा दोष नहीं दे सकते क्योंकि विकास होता है पावर के साथ, बट ये आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ बहुमत में आएगी और यहाँ का जो रुझान है वो लगता भी ऐसा कि लोग कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं। पसंद जी कांग्रेस की आए विचार ना बनाओ ना मशोरा करो है अब किसको वोट देने, बाकी पानी की बिजली की सारे कुंडा चूके पड़े हैं, ये जो चैम्बर है गाँव में कुछ भाई पसंद का फिर हाल तो जा के हिसाब किताब आगे क्या आगे देख जाए हमारा मन तो जाकिर कोई नहीं जाकिर की वोट में नहीं पसंद करते हैं, कोई काम आ जावे कोई जावे तो सरपंच गल जुड़े हुए हैं, सरपंच गल जुड़े ना हो जब तो कांग्रेस की बतवाते अब टाइम हुआ के बहुत जुड़े हुए हैं जोड़ ना खाली करो जोड़ पड़े पड़े। अब की बार नूह में कुछ ऐसा लगता है जैसे जो बदलाव होगा और बदलाव होगा सरकार जो अब तक जो सरकार चली है इस सरकार ने हमारे जो रोजगार थे वो कम हो गए, नौकरियां नहीं मिली, अब अग्निवीर जैसा एक वो लाके हमारे युवाओं का जो रोजगार छीन लिया, अब चार साल अग्निवीर का जो इन लोगों ने कानून बनाया है उसके बाद वो लड़का बेकार हो जाएगा, उसके लिए क्या रोजगार मिल पाएगा। उनके अलावा हमारी रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं वो भी सरकार अभी हल नहीं कर पाई क्योंकि अब हमारे ही गाँव घासेड़ा गाँव में हमारे 7 चैम्बर हैं या 5 चैम्बर हैं उनमें अभी तक जो वाटर सप्लाई का जो सप्लाई आती है पानी सारे सूखे पड़े। अभी तक आप अपने मीडिया के माध्यम से ट्राई कर सकते हैं कि हमारे चैम्बर पूरी तरह सूखे हुए हैं, उनमें कोई पानी की सप्लाई नहीं है, हम मोल का पानी पी रहे हैं, टैंकरों बहुत महंगा टैंकर 1500 रुपये का हम डलवा कर और अपने गाँव में हर घर में वो कुंडा बना रखे हैं। सरकार अगर हमको पानी मुहैया करा दे तो हम 1500 रुपये का जो टैंकर एक महीने से भी कम टाइम में खत्म हो जाता है हमारी वो कमी पूरी हो सकती है, ना ही तो हमारे जो पीने का पानी है सरकार उसका कोई इंतजाम कर पाई है और ना ही हमारी जो बिजली और लाइट का जो सिस्टम है वो खराब है। अभी 3 दिन पहले हमारे गांव की पूरी 24 घंटे में लाइट आई, बहाना लगा दिया जाता है कि पचगांव से लाइट आ रही है, बट ये ठीक है ये एक टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है बट ये भी तो जरूरी है कि अगर फॉल्ट हो गया तो उसको तुरंत सही किया जाए। देखो अभी तक जो अपोजिशन में था MLA हम उसको ज्यादा दोष नहीं दे सकते क्योंकि विकास होता है पावर के साथ, बट ये आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ बहुमत में आएगी और यहाँ का जो रुझान है वो लगता भी ऐसा कि लोग कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं। पसंद जी कांग्रेस की आए कांग्रेस को आप किस लिए पसंद करते हैं, क्या वजह है? बस ये सरकार सारी देख ली जिन जिन का है कांग्रेस को आप पसंद करते हैं? हाँ कांग्रेस पसंद करते हैं। मशोरा करो है अब किसको वोट देने, बाकी पानी की बिजली की सारे कुंडा सूखे पड़े हैं, ये जो चैम्बर हैं गांव में कोई सहूलियत ना कोई भी और आम है सब वादों करेंगे 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 बाकी पूरा कोई ना उतरे अधभरे छोड़ जाए। अब ये गांव में सारे तालाब भरे पड़े, रास्ता बंद है, घरन में पानी भरा पड़ा, बाकी लग रहे वो अंजन भी चल रहे हैं, बाकी कवर थोड़ी है तो पहले ये अटे पड़े खुदवाने सारे काम कराने ना कराएगा ही नहीं। वह पंचायत वो निकल गई, अभी नई पंचायत बनाई है, ये अब देखो तो क्या करती है। इन्हें में एक आध दो एक्सीडेंट होते हैं मरते हैं लेकिन सरकार कोई सुनाई ना करती। बुतेरे अच्छे अच्छे लीडर भी आ गए, राहुल की भी आगे यात्रा निकल गई लेकिन वो रोड आज भी गड्ढे हुए पड़े। बच्चों के अगर नौकरियों की बात करें या गांव के विकास की बात करें, बिजली पानी पर्याप्त मात्रा में आप लोगों को मिल रही ना? नौकरियां तो मिली है जी सरकार ने, नौकरियां तो दी है सरकार ने, इसमें फायदा भी है लेकिन ज्यादा जो है नुकसान है। क्योंकि तो आप किस पार्टी को या किस नेता को पसंद करते हैं? देखो पसंद तो हम सब कोई करें क्योंकि हमारे साथ किसी ने भी जो है ना इंसाफित करी ना है, लेकिन वक्त आने पर देखेंगे इसका, हो सकता है बीजेपी को दे दें कांग्रेस के विचार बनाए, अभी कोई निर्णय ना है। निक रास्ते उन्हें तज्जा मकिना देख रहे और एक दूसरों जो हमारे सामने हैं उसकी तरफ पानी जा रहा, नाली भर के नहीं रोज झगड़े हो हैं और नाली इनकी सफाई तकरीबन एक आध 50 बार तो मैंने आपने कही है, सरपंच पे भी कहवाई है, बाकी बिल्कुल नहावें। और मेरे अपने दिमाग से तो
जहाँ उनको दिमाग काम करे, बड़े दिमाग से हूँ थोड़ी बहुत देर घंटा आध घंटा लगावे, बाकी ना जहाँ कूड़ो गांव में इतने आदमी लगा रखे मेरे ख्याल 8-7, बाकी कोई जाओ ही नहीं। नेता की अगर हम बात करें या पार्टी की बात करें तो कौन सा नेता या पार्टी पसंद है आपको? भाई पसंद का फिलहाल तो जाकर हिसाब किताब आगे क्या आगे देख जाएगी। जाकिर को आप किस लिए पसंद करते हो, क्या वजह है उसकी? भाई जाकिर के लिए लोग पसंद कर रहे हैं, अके हमारा जो सरपंच है यू 1.5 रुपया पैसों खेच करोड़ के लिए आप पार्टी में जुड़ो हुए है, और भाई विकास हो जा थोड़ा बहुत काम साथ हो जा, जब सरकार में बैठे हैं तो भाई वही कर सके विकास। हमारे मन तो जाकिर को ही नहीं, जाकिर को वोट देंगे, नहीं पसंद करते हाँ कोई काम आ जावे कोई जावे, जो सरपंच गल जुड़े हुए हैं, सरपंच गल जुड़े ना हुए जब तुम कांग्रेस की बतवाते, अब टाइम हुआ के बहुत जुड़े हुए हैं, जोड़ ना खाली करो जोड़ भरे पड़े हमारा रास्ता ना बचा। तो जाकिर हुसैन की इस समय सरकार है, आपने कहीं नहीं जाकिर हुसैन।